हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके सामने नया डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है सूजी ढोकला। तो चलिए हम देखते हैं सूजी ढोकला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। ये है सूजी, एक कटोरी सूजी हमने लिया है, ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम होगा। और ये ऑयल लिया है, ये एक कटोरी, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से जितना हमने सूजी लिया उतना हमने दही भी लिया है। ये है चीनी और ये है बेकिंग सोडा, ये हाफ स्पून से कम है। ये सॉल्ट है और ये थोड़ा सा कलर लाने के लिए हमने हल्दी यूज़ किया है। ये तड़के में डालने के लिए है राई, ये सफ़ेद तिल, ये हरी मिर्च है 3 हरी मिर्च, उसको हमने खड़ा खड़ा काट लिया, और ये है करी पत्ता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हम ले रहे हैं एक बाउल, इसमें हम पहले डालेंगे सूजी। इस सूजी में हम डालेंगे फिर ये दही, दही और सूजी हमने बराबर लिया है। दही में हम डालेंगे ये 1 स्पून शुगर, 1 1/4 स्पून शुगर, इसमें सॉल्ट, सॉल्ट 1 स्पून सॉल्ट है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल सकते हैं, और ये हल्दी पाउडर। इसमें हम ऑयल डालेंगे, 2 स्पून ऑयल हमने डाला। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अगर ये थोड़ा थिक लगेगा तो इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर, इसलिए अगर ये दही से सूखा लगेगा तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत थिक है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर रहे हैं। ये हमने हाफ कप वाटर डाला है, इसको अच्छे से मिला लेंगे जिसमें कोई गिल्टियाँ ना रह जाए। बेकिंग सोडा हम सबसे लास्ट में इसमें डालते हैं। ये इसको इस तरह से फेंट लेंगे अच्छे से, जिससे सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से, अभी पानी हम इसको बाद में अगर और ज़रूरत होगी तो पानी डालेंगे। अभी ये हमारा बैटर बन के तैयार हो गया, इसको हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे जिससे ये बैटर अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। तो आधे घंटे के लिए हम इसको ढक के रख दे रहे हैं। आधे घंटे के लिए बैटर रख दिया था, अब चलिए देखते हैं सूजी हमारी कैसे फूल गई है। ये देखिए सूजी एकदम फूल गई है और ये काफ़ी थिक भी हो गई है, देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट हो गई है सूजी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो ऐसी ही होनी चाहिए, देखिए इस तरह से। ये बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और ना तो ही गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें सबसे लास्ट में हम सोडा ऐड करेंगे, उसके पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें बनाना है उसको हम कुकर तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमने कुकर रख दिया है, इसमें एक हमने एक प्लेट डाल दी है, इसमें हम 1 ग्लास वाटर डालेंगे। कुकर पहले से ही गर्म करने के रखे थे इसलिए देखिए 1 ग्लास वाटर डाल दिया है। अब हम ये पानी गर्म होने के लिए ढक देते हैं, पानी गर्म हो जाए उबाल आने लगेगा, फिर हमें इस बर्तन में ढोकला बनाना है। तो इसको हम सबसे पहले ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं जिससे हमारा ये ढोकला इसके बेस में चिपके नहीं। इस तरह से पूरे बर्तन को इस तरह से अच्छे से ऑयल से चारों तरफ से ग्रीस करेंगे। इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इसमें
लास्ट में सोडा ऐड करेंगे। सोडा डालने के बाद, चलाने के बाद तुरंत हमको इसे कुकर में रखना पड़ता है, नहीं तो हमारा ढोकला जो है सॉफ्ट नहीं बनता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा चलाएंगे नहीं, इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसको डालने के बाद ये बहुत ही तेज़ी से फूलता है और इसको ज़्यादा देर रेस्ट नहीं कराते, इस तरह से चला के और हम इसको बर्तन में डाल के तुरंत हम इसे कुकर में रख देते हैं। ये देखिए काफ़ी फूलने लगा है सोडा डालने के बाद। अब हम इसको तुरंत इसमें इस बर्तन में, इसमें हमें ढोकला बनाना है, इसको हमने पहले से ऑयल से ग्रीस किया है। अब इसमें हम इसको सब डाल देंगे इस तरह से। आप इस बैटर में चाहिए तो हरी मिर्च अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर हमने इसको सादा बनाया है। जी अब इसको मिक्सर से टैप कर लेंगे जिससे ये पूरा इक्वल हो जाए। अब इसको कुकर में रखेंगे, हम देखते हैं पानी हमारा बॉयल हो गया। पानी बॉइल्ड हो गया, अब इसमें इसको कायदे से संभाल के रखेंगे कि कुकर काफ़ी गर्म होता है। और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए बिना सीटी लगे हुए कुकर को लगाएंगे। देखिए इसमें ये सीटी नहीं लगी, इसमें सीटी हमने नहीं लगाई है और ये रबड़ इसमें रहने दे रहे हैं। इसको इस तरह से हम कवर करके 25 मिनट के लिए बंद करके मीडियम टेम्परेचर पर रखेंगे। पच्चीस मिनट के लिए इसको मीडियम टेम्परेचर पर रख दे रहे हैं। ये हमने टेम्परेचर मीडियम कर दिया है, 25 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। मिनट हो गया है, चलिए हम खोल के देखते हैं कुकर में। ये ऐसे देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी हो गया है ढोकला हमारा। इसको हम ऐसे नाइफ के हेल्प से अंदर ऐसे प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए नाइफ में हमारी कुछ नहीं लगा, यानी हमारा ढोकला अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसको हम निकाल के 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हम बहुत आहिस्ते से निकालते हैं कपड़े की हेल्प से, इसको पकड़ के निकाल के रख देंगे। 10 मिनट ये ठंडा हो जाए फिर हम इसको निकालते हैं। अभी हमारा ढोकला देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसका कॉर्नर भी देखिए हल्का हल्का छोड़ा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसे नाइफ के हेल्प से इसके चारों तरफ से इस तरह से इसके एड्स को सब छुड़ा देते हैं, इसे किनारे से जो चिपके हुए पॉट्स हैं, इस तरह से पूरा सर्कल में घुमा के छुड़ा देते हैं। और फिर हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको हम पलट देंगे इस तरह से, थोड़ा सा टैप करेंगे, ये इस तरह से पलट देंगे। देखिए कितना स्पॉन्जी बन के तैयार हो गया हमारा ढोकला। ये देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है, ये देखिए कितना स्पॉन्जी की ढोकला है। अब ये हमारा ढोकला तैयार हो गया, अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। ये हमने पैन रख दिया है तड़के के लिए, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1.5 स्पून ऑयल डाला हमने। और इसमें हम राई डालेंगे और ये सफ़ेद तिल, इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और ये करी पत्ता, सबको अच्छी तरीके से चला लेंगे। थोड़ा सा 1/4 शुगर ऐड करेंगे और 1/4 स्पून सॉल्ट, सबको डाल के अच्छी तरीके से अच्छा से चला देंगे। फिर राई भी हमारा एकदम पक गया है, इसमें थोड़ा सा बहुत हल्का सा पानी ऐड करेंगे। फिर
तैयार हो गया है। इस तड़के को उतार दें इस तरह से, इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम नाइफ से मनचाहे शेप में कट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी ढोकला बना है, ये देखिए कितना स्पॉन्जी ढोकला बना है, ये बहुत ही स्पॉन्जी ढोकला बना है। आप भी इसको ट्राई करिए और इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे। इस तरह से हमने ये एक एक पीस निकाल के इस तरह से हम प्लेट में सर्व करेंगे। इस तरह से ये देखिए कितना बढ़िया ढोकला बनके तैयार हो गया। ये ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।